वी आर वेरी हैप्पी कि अभी अलीसा का राजविंदर हैज गॉट प्लेस्ड इन ग्रैंड थॉर्नटन, ठीक है, एंड वन मोर विल बी ज्वाइनिंग. ओके, ही इज गॉट इन टू एक्सेंचर, आई थिंक बाबू कृष्णा. एक बार अलीसा आप बताइएगा, अलीसा राजविंदर हाउ इट वॉज, ठीक है. हाँ हेलो एवरीबॉडी. बहुत स्मूथ तो नहीं बोलूंगी, बट इट वाज बेटर बिकॉज सब कुछ ही मटेरियल से आया था. थोड़ा बहुत तो देखो वो तुम्हारा नॉर्मल कॉमन सेंस चेक करेंगे अपने केस लॉज वगैरह बना के, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि थ्योरेटिकल होती है वो एग्जैक्टली मटेरियल से थी. तो मतलब इतना टाइम वेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ, मतलब मटेरियल का ही सब कुछ मेन था. तो वो मटेरियल बहुत बेनिफिट है जो स्टार ऑर्बिट का सर ने दिया है. राजविंदर. थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस एंड इट्स वाज अ वेरी ग्रेटफुल सेशन फॉर ऑल द न्यू ज्वाइनर एंड आल्सो हु आर ट्राई ऑफ कैंपस एंड इट्स अमेजिंग सेशन एंड द मेन थिंग अबाउट द क्वेश्चन बैंक एंड द मटेरियल दैट यू आर प्रोवाइडेड इट्स वाज वेरी हेल्पफुल एंड ऑल द क्वेश्चन इफ यू आर रीड थ्रूली दैट then you can easily crack any interview of statutory audit whatever you are studying and whatever domain you are your aim you can easily tackle if you thoroughly and as per sir guidance like written practice and timely update in group and how you can retain and the sir tips that sir provided it's very nice full and very helpful and I also refer sir material only And that gives me a confidence, and definitely I crack in easily way. Thank you, sir, और for सबसे that. मेन बात ये है कि मटेरियल देने के साथ साथ सर पीछे पड़ते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, वरना अगर सर पीछे ना पड़े तो फिर हम शायद खुद ना पढ़े. तो ये आपका टाइम भी बहुत ज्यादा है, मेन राजविंदर का तो बहुत ज्यादा है बोले लाइक ये मत सो करो ठीक सर ठीक है. तो अभी बाबू कृष्णा आप मई 23 है ना, मई 23. या थैंक यू सर फॉर आई एम गेटिंग जॉब आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड पास इन मई 23, बट आई फेस अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस इन ऑफ कैंपस. आई रिफर्ड योर टोटल मटेरियल. Was very good. Every question from the interviewer will be asked from your material only, and the speaking session is very, very important because they are judged on when HR call to me for scheduling the interview. Then only they judge the communication skills and subject skills. आप मई And ट्वेंटी थ्री से कॉल आप मई when you are ट्वेंटी थ्री में जैसे आप यूर फ्रॉम मई 23 क्वालिफाइड, राइट? 6 months कितना Yes, डिफिकल्ट था yes. विदाउट जॉब? Yeah, it is very difficult, sir, from relatives, from friends, everyone asking me you are passed, but you are why you are not getting job? Why you are not getting job? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जॉब के लिए रेफरेंस. बिना Reference is रेफरेंस का होता very नहीं है, important. वेरी Without इम्पोर्टेंट. reference, सी आई एम they फ्रॉम cannot call you. हम आपको बता रहे हैं ना, जब हम सिलीगुड़ी से थे, वेस्ट बंगाल, आई वेंट इन टू बैंगलोर, ओके, विद नो नो बडी देयर, ओके, नो बडी आई न्यू इट, ओके. तो आई न्यू इट वन थिंग, ओके, इंटरव्यू आपका हुआ था, पहुंच गया ना, उसके बाद आपके पास है ना, आपको आया चाहे नहीं आया, कुछ ना कुछ आप बोल दोगे. तो मेन थिंग है कॉल आना. कॉल नहीं आता लोगों का. कॉल क्यों नहीं आता है? बहुत सारा कारण होता है. सीवी, कवर लेटर कभी कभी दरकार पड़ेगा, कभी कभी ये कीवर्ड्स दरकार पड़ेगा. तो सबका मेरे को भी आइडिया नहीं था. और ये आइडिया कैसे लगा? हम लोग रेफरेंस विदाउट रेफरेंस रेफरेंस भी, दे कैन नॉट हम पिक लोगों का क्या है कि मेरा टाइम में क्या था, सबसे बड़ा बात कि आई न्यू एग्जैक्टली किसको अप्रोच करना है. आजकल लोगों को पता नहीं रहता है. जैसे मैं आई हैड सिस्टर, ओके, आई हैड चाचा, चाचा को पकड़ लिए, मामा को पकड़ लिए, ऑल आर सीए, पर सबका चाचा मामा भांजा दीदी, और ऐसा नहीं कि वो लोग सबको ये तुमको बैठ के हेल्प करेगा. व्हेन आई वेंट टू बैंगलोर, ओके, टाइम नहीं था. आ जाओ एक बार, आ जाओ तुमसे मिल लेते हैं. आने के बाद कोई नहीं मिलता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. खुद का दीदी से भी अगर आपको बात करना होगा ना, यू नीड टू टेक अपॉइंटमेंट. खुद का नहीं है ना, कजन, ये सब चीज, तो आपका पीछा पड़ना पड़ता है. तो बहुत पीछा पड़ के बैंगलोर में मिला,
मीटिंग शेड्यूल करवाया, तो फिर उनसे गाइडेंस लिया। बात समझ में आया, गाइडेंस बहुत दरकार होता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, तो वो चीज बहुत जरूरी है। सही लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, तभी आप सही जगह पहुंच पाएगा। बात समझ में आया। ये मेरे पे थोड़ा ये था कि किसको पकड़ना है, कौन काम के लिए कौन परफेक्ट आदमी है। अगर ये आप लाओगे ना, ये चीज, आपका देखना आराम से हो जाएगा। आपका आर्टिकल शिप कितना है, अटेम्प्ट कितना है, ये हम लोग सही आदमी को पकड़ नहीं पाते सही समय में। बात समझ रहे ना, तो वही चीज है। जितना भी आपका, आपको लगता है कोई रिलेटिव काम नहीं आएगा, वो नहीं काम आएगा, सब काम आएगा, आपका फ्रेंड भी काम आएगा, बट आपको थोड़ा थोड़ा यूज करना पड़ेगा। आप सोचोगे ना एक ही आदमी पूरा काम करके देगा, वो नहीं होगा, दैट विल नॉट रियली वर्क, कि वो भी कितना कितना काम कर रहा होगा। तो मैंने लिस्ट बनाया था एक्चुअली, एक्चुअली जब मैं सीए बना था ना, मैंने लिस्ट बनाया था कि ये मेरा फ्रेंड्स है जिसका जॉब इधर लग के रखा है, ये मेरा रिलेटिव है इधर काम कर रहा है, ये रिलेटिव की बेटी है, ये रिलेटिव का बेटा है। लिस्ट बना लिया था, एक टू लिस्ट बना लिया, नाम लिख लिया लोगों का, फिर डायरेक्टली नेटवर्किंग करते रहिए, नेटवर्किंग करते रहिए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलते रहिए। बात समझ में, क्या पढ़ना है, इससे इनसाइट्स निकाला। लिस्ट कौन बनाता है इसका रेटिंग, कोई नहीं बनाता है। तो आपने जान पहचान में आपको निकालना पड़ेगा कि जान पहचान में किसको क्या आता है, समझी मैं, वही चीज है। रेफरेंस चाहिए आपको, बिना रेफरेंस का जॉब मार्केट में जॉब लगना इम्पॉसिबल है। पर हाँ, रेफरेंस के साथ आपको टीवी कैसे बनेगा, वो जाएगा कैसे, वो बोलना क्या है एग्जैक्टली, एक अटेम्प्ट 19-20 बोल देंगे तो नहीं होगा आपका। हाँ जी, क्या चीज, In first shot only they remove your CV from list. हाँ, ये चीज है, इसलिए थोड़ा सा अप्लाई भी करिए। और अप्लाई के साथ मैं जो एक ही चीज बोलता हूँ ना बार बार, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा जो मैंने बोला ना, ये सब चीज याद रखिए, तब जल्दी हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिएगा इनसे भी ले सकता है, बट डायरेक्ट में से कनेक्ट करिए, पर जो मैं बोल रहा हूँ ना उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर मैं बोलता हूँ इधर अप्लाई करो तो अप्लाई करो, उधर अप्लाई करो तो अप्लाई करो, जितना अप्लाई कैंपस के लिए बोल रहा हूँ कैंपस में अप्लाई करो, 2-4 बार रिजेक्शन इज वेरी कॉमन, ठीक है, तो रिजेक्शन आर वेरी कॉमन, तो डोंट वरी अबाउट रिजेक्शन, ठीक है। और कहीं से कॉल आता है मेरे को वॉइस नोट भेजो, कृति मैम को वॉइस नोट भेजो। और आप लोग, एक और चीज मैं देख रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा हो रहा है, डाउट्स पूछने में टाइम बर्बाद कर देते हो। डाउट्स मत पूछो, 3-4 चीज आप लोग हमेशा होमवर्क में ध्यान दो अपना। होमवर्क क्या है आप लोग का, होमवर्क में ध्यान दोगे तो देखना सब कुछ होते जाएगा। नंबर 1, 3 CV बनना चाहिए, ये आपका होमवर्क है, 3 CV बनना चाहिए, राइट, 3 CV, ये होमवर्क का आपको ध्यान रखो। आधा जन कृति मैम को फोन करेगा, ये प्रोफाइल कैसा है, वो प्रोफाइल कैसा है, वो प्रोफाइल कैसा है, अरे जॉब तो लगाओ, फिर प्रोफाइल का भी बात कर लो, टाइम बर्बाद मजाक होता है ना। हाँ, जॉब तो लगा लो, फिर प्रोफाइल के सोचते रहेंगे तो मैं टाइम बर्बाद हो जाता है। दूसरा, आप लोग नौकरी प्रोफाइल हो गया, ये नौकरी प्रोफाइल एकदम रेडी करके रखो, नौकरी प्रोफाइल अपडेट करो। प्रति मैम कल जैसे सैटरडे संडे फ्री रहेगी, उसको व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो, कॉल मत करो, कॉल करने से क्या होता है, सबको होता है, तुम लोग मेरे को भी कॉल करता है, कॉल करने का क्या ये सिस्टम सीखा है, व्हाट्सअप में वॉइस नोट भेजो ना, 24 आवर्स में नहीं करके देता हम लोग है, कॉल मत करो, कॉल करने से दिक्कत हो जाता है, समझ में। ये दो काम लिख के रखो, CV 3 बनाना है, एक तो CV में खाली स्टेट इंटरनल ऑडिट के ही डालना है, कुछ भी डालोगे लेगा नहीं। अली साहब बताइए, जैसे आपको CV से कितना सवाल पूछा था ग्रैंड होटल में, पूरा CV ग्रिल कर देता लोग, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ सर, पहले टेक्निकल जो पहला राउंड होता है, 2 राउंड होते हैं टोटल GT में, जो पहला राउंड होता है उसमें ऑनेस्टली मेरे CV में वो नहीं गए थे, उन्होंने पूरा मुझसे थ्योरेटिकल पूछा था, और 30-35 मिनट मेरा पहला राउंड चला था। जो दूसरा राउंड होता है, पहले राउंड में तो चलो ठीक है, फिर भी आपके 10-15 मिनट आपके इंट्रोडक्शन में चले जाते हैं, वो इधर उधर की बातें करते हैं सो दैट आप कंफर्टेबल हो जाए। जो सेकेंड राउंड होता है, सेकेंड राउंड में वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, और वो स्टार्ट ही CV से करते हैं कि और वो पूरा CV आपका थरली, मतलब उसमें से पूछते हैं CV से बहुत ज्यादा, मतलब दे जस्ट मेक श्योर कि आपकी आर्टिकल शिप या जो भी आपने काम किया था वो डमी तो नहीं था, मतलब जैसे हम तो बिल्कुल आर्टिकल शिप से निकल के आए हैं। और फिर 10-15 मिनट CV से पूछने के बाद, फिर वो बचा हुआ, मतलब मेरा तो 40 मिनट चला था सेकेंड राउंड का,
इंटरव्यू, जो बचे हुए मेरे पास 20-25 मिनट्स थे, उन्होंने सब कुछ पूछा, मतलब स्केड्यूल से रिलेटेड, कारों से रिलेटेड, केस लॉ बना के, और जो नॉर्मल ऑडिट के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, सब कुछ ऐसा. सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवी में जो लिखेगी उससे पूछेगा, स्ट्रक्चर करिए सीवी में। ऑडिट का सीवी है तो पूरा ऑडिट का ज्ञान लिखिए, ज्यादा आप टैक्सेशन का ज्ञान लिखोगे फिर उनको बेसिकली लगेगा। हाँ जी हाँ बेसिकली उन्होंने क्या किया कि ऐसा था जैसे, अब उन्होंने तुमसे पूछा एक ऑडिट का टर्म, मटेरियलिटी. तो तुम्हारे सीवी में अब तुमने लिख रखा है कि मैंने इस चीज का ऑडिट किया, तो वो ये तक पूछ लेते हैं कि अगर चलो ठीक है, मटेरियलिटी तुमने ये तो बता दिया कि ऐसे ऐसे बेंचमार्क सेटिंग होती है वगैरह, तो उस मटेरियलिटी को तुमने जब ऑडिट किया तब कहाँ पे यूज किया, तो वो ऐसे भी पूछ लेते हैं. तो सीवी में कोई लिखो जो आता है, वो घुस घुस के पूछते हैं सेकंड राउंड में. कॉन्फिडेंस भी देखता है ये लोग, कॉन्फिडेंस है ना, हाँ, ये लोग कॉन्फिडेंस देखता है सबसे ज्यादा, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आप जो आपका दिखेगा कॉन्फिडेंस। नहीं आता बता दो, नहीं आता ऐसी झक मत मारो को. मुझे एक चीज नहीं आती थी, मैंने बता दी थी मुझे नहीं आती. जो इंटरनल नॉलेज फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्टिंग, हाँ, किस कंपनी को एप्लीकेबल होती है, उन्होंने पूछा था व्हाट इज इट, तो वो तो मैंने बता दी थी, बट वो कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल होती है, मैंने कहा ये मुझे नहीं आता, आप कुछ और पूछ लो. तो IFCR। फिर वो हंसने लगे. ओके हाँ समझे। तो हमेशा ये याद रखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, 3 CV अपडेट करिए, नौकरी प्रोफाइल अपडेट करिए, नौकरी प्रोफाइल अपडेट करिए, मैम को देते रहिए CV रिव्यू ये सब के लिए, तो मैम को ही दे देंगे। और फालतू का डाउट वाउट पूछ के टाइम अपना भी वेस्ट करेंगे, उनका तो कुछ नहीं है, वो तो करते रहेगी सॉल्व, और आपका आपका भी नुकसान हो रहा है, सबका हो रहा है। तो इसलिए CV 3 अपडेट करिए, इनको दीजिए, रेफरल के लिए दे दीजिए, रेफरल के लिए इनको दे दीजिए। समझ में आया जो मैं दिया हूँ ना, तो जिधर भी वैकेंसी होगा, और फालतू का तो फैंसी प्रोफाइल नहीं, डायरेक्ट टैक्स वैकेंसी नहीं होता, डायरेक्ट टैक्स दाचन उनको पूछे वैकेंसी कहाँ पर है, वो पूछे कि आपको कहाँ आपको चाहिए, वैसे पूछे, वो सब गलती मत करिए, समझ के। वो बोलिए मैम कहाँ पर वैकेंसी है वहां पर, मैं वो बोले कि कहाँ जाना है आपको, गलती मत करिए, आप बोलिए मैम कहाँ पर वैकेंसी है कृति को, वहां पर ही लगा दीजिए, गलती मत करवाइए, फिर होगा नहीं आपका काम, ठीक है। दूसरा ग्रैंड टोटन का ग्रुप में दे देगा, वो उसमें ही कर देना है, देहरादून लोकेशन में, तो उनको हम दे देगा वैकेंसी का। एक हम कैप जेमिनी बोला था आप लोगों को, कैप जेमिनी में अप्लाई करेंगे ऑफ कैंपस, ठीक है। तो मैं उसमें जो भी दूंगा ना, उसमें फटाफट आप लोग अप्लाई करेंगे, तभी हो जाएगा अभी भी काम, ठीक है, विदाउट यूजिंग माई नेम, इधर भी मेरा नाम यूज नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा, अपने भी कर देगा एक हम ग्रैंड टोटन में, जैसे जो वैकेंसी दिखेगा, ठीक है। ठीक है अलीसा राजविंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लोग कनेक्टेड रहिए और ये लोग का भी हेल्प करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है जी अलीसा, बाबू कृष्णा, ठीक है ठीक है, सर, आप लोग सेम लिंक में वापस आ जाइए सब जना।